एक ज़माना था दोस्तों कि फ़ोन पे कैमरा होना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले एक कैमरा छोड़ो दो कैमरे वाले फ़ोन आने लगे जिसमें आप वाइड एंगल पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते थे। अभी जाकर के जैसे हमने ऑलरेडी देखा है सैमसंग A7 2018 एडिशन और हुआवे P20 Pro में आपको मिलता है तीन कैमरे का सेटअप, और अब तो दोस्तों लीक्स हैं कि आपको Nokia 10 में पांच कैमरा तक मिल सकते हैं। तो आखिर ये जो तीन चार पांच कैमरा वाले फ़ोन हैं वो क्यों चाहिए, मतलब आर दे रियली नेसेसरी? चलिए बात करते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में। शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों तीन कैमरा चार कैमरा और पांच कैमरा की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डुअल कैमरा हम अपने फ़ोन्स पे देखते हैं तो सारे के फ़ोन्स के दोस्तों जो डुअल कैमरा होते हैं वो एक जैसे काम नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो एक लेंस है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलता है, जो कि जैसे ऑनर के जो डिवाइस होते हैं जो रियर कैमरा है वो हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे दोस्तों RGB नहीं बल्कि ब्लैक एंड वाइट होता है, तो वो सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के काम आते हैं। आपको LG के कुछ फ़ोन्स में मिल सकता है जिसमें जो रियर कैमरा है वो वाइड एंगल के लिए बना है, और उसके साथ साथ अभी जैसे अगर आप आईफोन देखो या फिर Xiaomi का Mi A1 देख लो, वहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा था वो टेलीफोटो लेंस था, मतलब वो जूमिंग के लिए बना था और वो डेप्थ सेंसिंग के भी काम आता है। तो जो रियर कैमरास में जो सेकेंडरी सेंसर होता है तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि तीन तरह के सेंसर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब दोस्तों कंपनीज क्या कर रही है कि जहाँ पे उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता था कि वाइड एंगल लेंस लें या फिर टेलीफोटो लेंस लें, वो क्या कर रहे हैं कि अभी तीन कैमरा फोन्स के साथ आई है जहाँ पे एक टेलीफोटो है, मतलब आपको 2x या फिर 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी लेंस है वो या तो वाइड एंगल है या फिर आपका जो डेप्थ सेंसिंग लेंस है वो हो जाता है, और जो मेन कैमरा दोस्तों वो लोअर अपर्चर पे अपर्चर F1.7 F1.8 में आपको 40 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे P20 Pro में लाइट में आपको मिल रहा है तो वो भी दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी जैसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं हुआवे P20 Pro का, तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो रियर कैमरा है वहाँ पे आपको जो मेन कैमरा है वो 40 मेगापिक्सल का मिल जाता है, उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है, और ऐसे में आपको वहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट सेंसर्स मिलते हैं जिससे वो डेप्थ सेंसिंग करता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम की फोटोज ले सकते हैं 8 मेगापिक्सल तक। अब ये तीनों कैमरास एक साथ काम नहीं करते, मतलब हाँ दो कैमरे काम करते हैं पोर्ट्रेट वर्क के लिए, लेकिन वो थर्ड कैमरा तभी एक्टिवेट होता है जब आपको कोई 3x ऑप्टिकल जूम वाला फोन फोटो लेनी है, और ऐसे में वो जो दोनों लेंस है जो प्राइमरी वो काम नहीं आते हैं। अब यहीं दोस्तों अगर आप सैमसंग A7 2018 एडिशन के बारे में बात कर लो तो यहाँ पे आपको वही एक वाइड एंगल सेटअप मिल जाता है और एक टेलीफोटो सेटअप मिल जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये जो तीनों कैमरेज हैं वो एक साथ मिलकर के आपको बेटर इमेज और एक हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको देंगे, नहीं। आपको अगर वाइड एंगल फोटो लेनी है तो आपको डिफरेंट लेंस सेलेक्ट करेगा फोन, अगर आपको टेलीफोटो फोटो लेनी है या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं जूम वाली फोटो, तो वहाँ पे दोस्तों डिफरेंट जो लेंसेज हैं वो सेलेक्ट होंगी। अब आगे जाके बात करते हैं कि जब चार कैमरे और पांच कैमरे वाले जो फोन्स आएंगे, ऐसे में ये नहीं होगा कि वो पांचों लेंस मिला करके एक बहुत ही तगड़ा कोई हाई रेजोल्यूशन फोटोज खींचे, और उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ एक डिवाइस का जिसका नाम है लाइट। तो लाइट ने अभी एक डिवाइस निकाला था, अभी भी उनके कॉन्सेप्ट में है, जिसमें उन्होंने लेके आए थे 16 लेंसेज एक डिवाइस में। ये फ़ोन नहीं है बल्कि एक एंड्रॉयड पावर कैमरा था और इनका मकसद था DSLRs को चेंज करना। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कुछ वाइड एंगल लेंस कुछ टेलीफोटो लेंस लेकर के आए, और कभी अगर आपको जूम वाली फोटो चाहिए जैसे 5x जूम आपको यहाँ मिल जाता है, और उसी के साथ साथ आप कभी कभी दो तीन लेंस मिला करके एक हाई रेजोल्यूशन फोटोज खींच सकते हैं, उसमें किसी लेंस की मदद से आप पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 16 लेंसेज हैं कभी कभी तीन चार लेंस मिलकर के आपको एक बढ़िया फोटो देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट शायद दोस्तों आगे जाकर के हमें फोन्स में देखने को मिले, जहाँ पे अगर पांच लेंस वाला फोन है तो आपको दो लेंसेज अगर समझ लो आपको बैकग्राउंड ब्लर के लिए यूज़ आ जाए, एक जो लेंस है दोस्तों वो आपकी वाइड एंगल फोटोग्राफी के लिए यूज़ आ जाए, एक जो लेंस है वहाँ पे आपको टेलीफोटो फोटो मिले, उसके साथ अगर आपका कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर AR की कैपेबिलिटीज़ आ गई तो एक लेंस शायद वो AR कैमरे में मदद करे, अगर आपको सिर्फ मोनोक्रोम फोटो चाहिए तो एक लेंस सिर्फ मोनोक्रोम फोटोज़ में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे आगे जाकर के हम ये देख सकते हैं कि हर एक चीज़ मतलब हर एक टाइप की फोटोग्राफी के लिए आपके कैमरे में एक या दो लेंसेज आपको मिल जाएंगे, और ऐसे में आगे जाकर के DSLR से जो हमारा मतलब हम अभी भी सोचते हैं कि DSLR
बहुत अच्छी फोटोज लेते हैं। हाँ, आगे जाकर के DSLR भी इवॉल्व होंगे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन या जो मोबाइल फोटोग्राफी है वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहा है अगर आप मेरी माने तो। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, दो लेंस वाला जो कैमरा फ़ोन है वो मोर देन एनफ, मतलब उसमें पोर्ट्रेट फोटोज़ आ जाती हैं और डिसेंट फोटोज़ आ जाती हैं, या फिर आगे जा करके जो 3, 4, 5 लेंसेज वाले फ़ोन हैं उसके लिए आप वेट करना चाहेंगे, और अगर कंपनी अगर आपसे 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा भी मांगेगी हर एक लेंस के समझ लो, तो आप वो पे करने के लिए मतलब सोच रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इसके अलावा आप हमसे और भी कुछ जानना चाहते हैं कि यार ये जो कैमरेज हैं वो कैसे काम करते हैं, और मतलब कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे अगर अभी तक आपने अगर GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।